दोस्तों आपको बता दें कि कॉमेडी नाइट्स विद कपिल से मशहूर हुए कॉमेडियन सुनील ग्रोवर को कुछ दिन पहले सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद उन्हें अपनी बाईपास सर्जरी करवानी पड़ी थी। लकीली हमारे देश में हेल्थ फैसिलिटीज पर काफी रिसर्च की जाती है और देश के हॉस्पिटल्स में हार्ट ब्लॉकेजेस को हटाने के लिए कई तरह के इलाज अवेलेबल हैं। चलिए जानते हैं कैसे होती है बाईपास सर्जरी। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको बता दें कि बाईपास सर्जरी का पूरा नाम कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग सर्जरी है। इस सर्जरी को करने की जरूरत तब पड़ती है जब डॉक्टर्स को आपके शरीर की सारी जांच पड़ताल करने के बाद ये पता चलता है कि आपके हार्ट को आपकी धमनियों यानी आर्टरीज के जरिए जितने ब्लड की सप्लाई चाहिए होती है उतनी नहीं हो पा रही है। बिना किसी देरी किए आइए जानते हैं बाईपास सर्जरी कैसे होती है। आमतौर पर हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की टीम को बाईपास सर्जरी करने में 3 से 6 घंटे तक का समय लगता है। इसमें कई सारे स्टेप शामिल होते हैं, जैसे जिस व्यक्ति की बाईपास सर्जरी होनी है उसके पहले कुछ मेडिकल टेस्ट किए जाते हैं। मसलन अगर वो व्यक्ति डायबिटीज जैसी बीमारी से पीड़ित है तो उसकी शुगर की जांच की जाती है। COVID-19 के आने के बाद से कोविड का नेगेटिव टेस्ट आने तक मरीज की कोई बाईपास सर्जरी नहीं की जाती। डॉक्टर्स जब इस बात के लिए आश्वस्त हो जाते हैं कि मरीज बाईपास सर्जरी के लिए तैयार है, उसके बाद ही उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जाता है। सेफ्टी के लिहाज से वैसे तो इस तकनीक को काफी सुरक्षित माना जाता है, लेकिन कोई ऊंच नीच होने वाली सिचुएशन के लिए मरीज के अटेंडेंट से एक हॉस्पिटल के पेपर पर ऑपरेशन से पहले सिग्नेचर करवा लिए जाते हैं, जिसमें उस हॉस्पिटल की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। इन सब के बाद मरीज को सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। इसके बाद जब मरीज बेहोश हो जाता है तो एक मशीन की मदद से उसके उल्टे हाथ या फिर पैर के जरिए एक बारीक तार डाला जाता है जिसमें छोटा सा कैमरा लगा होता है। इसके जरिए डॉक्टर्स मरीज पर बारीकी से नजर रखते हैं। डॉक्टर्स की टीम सर्जरी के दौरान कई तरह की दवाइयों को इस रास्ते से डालती हैं और साफ सफाई करती हैं ताकि इन्फेक्शन का कोई खतरा न रहे। इसके बाद एक गुब्बारे जैसा दिखने वाला छोटा सा छल्ला उसी तार की मदद से डाला जाता है। इनकी संख्या कितनी होगी ये मरीज के हार्ट में हुई ब्लॉकेज पर निर्भर करता है। ये एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल में मौजूद एडवांस मशीनों के जरिए ये देख लेते हैं कि ये छल्ला, जिसे मेडिकल भाषा में स्टेंट कहा जाता है, मरीज के शरीर में सही लगे या नहीं। स्टेंट डालकर ब्लॉकेजेस को खोल दिया जाता है और नसों में ब्लॉकेजेस के हटने के बाद ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। सर्जरी के सक्सेसफुल होने के बाद मरीज को 24 घंटे के लिए आईसीयू में रखा जाता है। सब कुछ ठीक रहने पर मरीज को डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसे जरूरी दवाइयां दे दी जाती हैं। कुछ समय तक सर्जरी करवाने वाले व्यक्ति को डॉक्टर रेगुलर चेकअप करवाने की सलाह देते हैं। दोस्तों वैसे तो मेडिकल टेस्ट से आपको पता चलता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज कितनी है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आपको कब और कैसे पता चले कि हॉस्पिटल में जाकर आपको मेडिकल टेस्ट करा लेना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि आपके हार्ट ब्लड तक पहुंचाने वाली नसों में एकदम से ब्लॉकेज नहीं होती है। इस सिचुएशन में आपके दिल को पहुंचने में सालों लग जाते हैं और जब आपका शरीर उस सिचुएशन में पहुंच जाता है तो वह आपको कुछ इशारे करने लगता है, जैसे सीढ़ियां चढ़ने पर आपकी सांस फूलने लगेगी, आप जरा सा दौड़ने लगेंगे तो आपको लगेगा कि आपका दम घुटने लगा है और शायद आप अपने डेली रूटीन से जुड़ी चीजें भी कर पाएंगे। अगर अपने शरीर में आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए खतरे की घंटी बज चुकी है और अब आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। डॉक्टर से मेडिकल की भाषा में एंजाइना पेन कहते हैं और इस कंडीशन में बाईपास सर्जरी कराने की सलाह दी जाती है। दोस्तों जहां बाईपास सर्जरी इंसान को नया जीवन देती है, तो इसके साथ ही इससे कुछ जोखिम भी जुड़े हुए हैं। कई बार बाईपास सर्जरी के बाद लोगों को किडनी से जुड़ी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। दोस्तों अगर आपकी आपके किसी जानने वाले की बाईपास सर्जरी हुई है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टरों के बाईपास सर्जरी करते वक्त मरीज को स्ट्रोक होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि इसमें आपके दिल का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कुछ लोगों की बाईपास सर्जरी के बाद सूजन जैसी परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। बाईपास सर्जरी करवाने के बाद शरीर में अगर ऐसे बदलाव नजर आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से जल्द मिलना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि बाईपास सर्जरी के बाद किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए।
बाईपास सर्जरी के बाद उस व्यक्ति को समय पर दवाइयां लेनी चाहिए। कई हालातों में सर्जरी करवा चुके लोगों को जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ती हैं। जहां तक अच्छे खाने की बात है तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर की सलाह से भोजन करें। अक्सर डॉक्टर सर्जरी से उभरे लोगों को भरपूर नींद के साथ हेल्दी डाइट लेने की सलाह देते हैं। ऐसा करने से रिकवरी जल्दी और अच्छी होती है। जो लोग बाईपास सर्जरी करवा चुके हैं उन्हें अंडा या डेयरी से बने प्रोडक्ट के अलावा चिकनाई और तली भुनी चीजों को ज्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर आप एक अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको स्मोकिंग और ड्रिंकिंग पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, भारत में हार्ट डिजीज और उसके बेहतर इलाज पर लगातार रिसर्च जारी है। ऐसा ही एक टेस्ट है जो आपको बता सकता है कि कहीं आपको हार्ट अटैक तो नहीं पड़ने वाला। इसके लिए आपको शरीर में ट्रोपोनिन टी नाम के प्रोटीन का पता लगाना पड़ेगा कि आपके हार्ट में इसके रिलीज होने की क्या मात्रा है, क्योंकि ये प्रोटीन अगर आपके हार्ट में ये जरूरत से ज्यादा निकलता है तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं। अगर आपको हार्ट अटैक का कोई भी सिम्टम नजर आता है तो आप इसे टेस्ट के जरिए पता लगा सकते हैं और भविष्य में होने वाले हार्ट अटैक से बच सकते हैं। बाईपास सर्जरी कराने में कितना खर्चा आता है? दोस्तों, यूं तो भारत में कई अस्पताल हैं जो हार्ट और उससे जुड़ी हुई कई तरह की समस्याओं का इलाज करते हैं। अच्छे डॉक्टर्स और फैसिलिटीज के हिसाब से सर्जरी करवाने के चार्जेस भी अलग अलग होते हैं। पहले बात करें अगर सरकारी अस्पताल की, तो कुछ में इलाज का सारा खर्चा सरकार उठाती है, मतलब ये पूरी तरह से मुफ्त होता है, और कुछ में आधा सरकार पैसा देती है और कुछ आपको देना होता है। अब बात करते हैं इन अस्पतालों के नामों की, तो इनमें दिल्ली का सरकारी अस्पताल जीबी पंत, सफदरगंज, राजस्थान का सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, लखनऊ का पीजीआई, ये कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां आप हार्ट से जुड़ी समस्याओं का इलाज करा सकते हैं। सरकारी के बाद अब बात करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, तो इसमें बाईपास सर्जरी करवाने का खर्चा करीब 2.5 से 3 लाख रुपए का आ सकता है, और सर्जरी के बाद मरीज 10 दिन में अपनी डेली लाइफ को फिर से एंजॉय कर सकता है। बार बार चक्कर लगाने और लंबी लाइन से बचने के लिए लोग अक्सर अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाते हैं। शरीर में डाले जाने वाले स्टंट्स की कीमत क्या होती है? बाईपास सर्जरी में मरीज को एक नई जिंदगी देने वाले स्टेंट की कीमत 8,000 से लेकर 30,000 तक कुछ भी हो सकती है। जहां तक स्टेंट की लाइफ की बात है, तो डॉक्टर्स ये मानते हैं कि संतुलित आहार लेने और व्यायाम करने से ये स्टेंट 8 से 10 साल तक चल जाते हैं। ये स्टेंट कुछ साल पहले तक लाखों रुपए के आते थे, लेकिन एनडीए के अलायंस वाली सरकार ने इसके दाम में 60 से 70 हजार तक कमी कर दी है। तो दोस्तों, खाने से जुड़ी चीजों में अगर हम सुधार ले आए तो दिल से जुड़ी काफी सारी समस्याओं को दूर किया जा सकता है, जिनका सीधा असर हमारे दिल पर पड़ता है। आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।